नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील री। और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने स्वयं होली के गीत गाकर चंग की धाप और बांसुरी की लय के साथ होली की धमाके गाकर धमाले गाकर शेखावाटी की याद दिलाई। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने होली पर्व के मौके पर शुभकामनाएं भी। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने घनश्याम तिवाड़ी के गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं। राजगढ़ में वैश्य महिला समिति की ओर से कस्बे के गायत्री शक्तिपीठ पर फाग उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। समिति की पद्मा गोयल ने बताया कि इस अवसर पर होली के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य कर खूब आनंद उठाया। इस मौके पर फूलों और गुलाल से होली भी खेली गई। सांभर में 7 दिवसीय होली महोत्सव परवान पर है। शहर के बीच स्थित पुराने एसडीएम कोर्ट में भव्य रंगारंग गीदड़ नृत्य का आयोजन हुआ। देर रात तक चले कार्यक्रम में शेखावाटी से आई टीम ने धमाल पर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। नंदकेश्वर मेला आयोजन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कठुमर के भैतूकला पुलिस ने खुडियाना चौराहे पर अवैध खनन की बजरी से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है और चालक को भी गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया, एसएचओ हनुमान सहाय के निर्देश पर गश्त के दौरान खुडियाना चौराहे पर ट्रैक्टर चालक को रोक कर ये पूरी कार्रवाई की गई। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम भैतूकला थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस सहित अवैध शराब भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक गाड़ी भी जब्त की गई। अलवर के राजगढ़ में वैश्य महासमिति, महिला महासमिति और युवा महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। वैश्य महासमिति के अध्यक्ष लोकेश रावत ने बताया कि कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। संगरेर में घर घर जाकर लोगों ने दूसरे के रंगों के त्योहार पर तिलक गुलाल लगाकर होली खेली है। महिलाओं ने कच्ची बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने त्योहारों के महत्व को भी बताया। सागरेर के वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की गोष्ठी में विकास शर्मा, शंकर बागड़ा, रामफूल गुर्जर, भवर सैनी ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। सभी ने बूथ स्तर पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी बूथ तक पहुंचाने का निश्चय किया। कठुमर के खेडली में 2 व्यापारियों के 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस द्वारा 4 दिन में ही गिरफ्तार करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक बाबूलाल बैरवा और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के सानिध्य और डीएसपी अशोक चौहान के नेतृत्व में अलवर जिला की स्पेशल पुलिस टीम और खेडली पुलिस के जवानों का व्यापारियों ने समारोह पूर्वक सम्मान भी किया। सांभर में विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी में दुलंडी पर ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेला आयोजित हुआ। शहर के छोटा बाजार से शिव रूप भगवान नंदकेश्वर की सवारी भी निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से भगवान नंदकेश्वर की सवारी गुजरी। 1600 से अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा चौहान वंश के राजा गोगाजी द्वारा शुरू की गई थी और तब से लेकर अब तक निरंतर शहर में ये परंपरा चली आ रही। जयपुर शहर सांसद दामचरण बोहरा ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम अनेक रंगों से होली खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार सबको जीवन में अनेक सुख सुविधाएं मिले और इसी मंगल कामना के साथ होली की सभी को शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास वाचनालय में विभाग प्रचारक विनायक और प्रचारक सचिन के गुलाल लगाकर देशभक्ति गीतों और होली की धमाल गाकर स्वयंसेवकों के साथ होली मनाई है। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने मिठाई खिलाकर बच्चों को रोजाना शाखा में बेचने का निश्चय भी किया। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में हनुमान उद्यान में होली के रंगों में लोग रंगे एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं।
महिला दिवस पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बसों में यात्रा की सुविधा दी गई। वहीं इसको लेकर काफी महिलाओं ने निःशुल्क सफर किया, तो वहीं महिलाओं का रोडवेज बस स्टैंड पर सम्मान किया गया। डिपो प्रबंधक मुनकेश लाबा ने महिलाओं को फूल देकर सम्मानित किया, तो वहीं इस दौरान केक काटकर महिला दिवस भी मनाया। कठुमर सहित ग्रामीण क्षेत्र में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं कठुमर के लोगों ने विधायक निवास पर विधायक बाबूलाल बैरवा, एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, निजी सचिव बीरू बैरवा के साथ होली खेली। वहीं कठुमर सरपंच शेर सिंह मीणा ने अपने फार्म हाउस पर होली पर विशेष आयोजन किया। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के गांव दूसरा हेडा में प्रथम ग्रामीण स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राजेंद्र सोमावत मुख्य अतिथि रहे। कठुमर क्षेत्र के युवा खिलाड़ी और ग्रामवासियों ने सोमावत का साफा माला से सम्मान किया। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार साथ रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य योगेश कुमार मीना का कठुमर के ग्राम पंचायत नांगला रूपा के गांव काठ वांडी में सरपंच प्रियंका ब्रजकिशोर चौधरी के निवास पर सम्मान किया गया। इस मौके पर योगेश कुमार मीना ने यात्रा के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। अजवापुर में होली के अवसर पर समाजसेवी और शकुन ग्रुप के निदेशक गोकुल और जेडी माहेश्वरी ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं। जयपुर के विधायिका में सिद्धिविनायक कॉलोनी में हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के गुलाल लगाकर धुलंडी का त्योहार मनाया गया। भगवान सहाय यादव ने बताया कि ये पावन पर्व भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता है। देवदर उपखंड क्षेत्र के अनाद्रा में ग्रामीणों ने पानी की समस्या और लीकेज की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सामने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या और लीकेज की समस्या को लेकर एएन को मौके पर बुलाने की मांग की, तो वहीं 3 घंटे प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के एएन मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से एएन और अनाद्रा अधिकारी सीआई बलभद्र सिंह ने ग्रामीणों से समझाई। अलवर के कठुमर में बहतूकला पुलिस ने भनोखर रोड पर राठौर ढाबे पर देशी कट्टा सहित एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हनुमान सहाय के निर्देश पर बहतूकला गश्त टीम मौके पर पहुंची और आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसर थाना परिसर में होली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। थानाधिकारी ने समस्त स्टाफ के साथ डीजे की धुन पर जमकर गुलाल खेला। पुलिसकर्मियों ने होली और धुलंडी के दूसरे दिन थाना परिसर में प्रेम और सद्भावना के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। सीकर में पुलिस लाइन में होली की धूम देखी गई। कलेक्टर और एसपी डीजे की धुन पर नाचते और एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हुए दिखाई दिए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारी और कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं। जयपुर के विधायिका में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बिश्नावाला जनसुनवाई कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। झोटवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं और आमजन से होली की रामाश्याम कर सभी को होली की शुभकामनाएं। जयपुर के विधायिका में विधायिका पुलिस थाने में पुलिस की धुलंडी मनाई गई। पुलिस स्टाफ और सीएलजी सदस्यों ने एक दूसरे की गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भावना का है। ग्राम रक्षक सदस्य भवानी सिंह ने भी पुलिस के साथ होली मनाई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च से 12 मार्च तक 3 दिवसीय पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अमित यादव और अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार ने जायजा लिया। अलवर के बांसूर में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांसूर के नारायणपुर रोड पर स्थित श्याम बाबा मंदिर पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर झूमते दिखाई दिए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। अलवर के बांसूर में होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। बांसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बांसूर की कानून व्यवस्था की तथा शांति व्यवस्था की कमान संभाली। इस दौरान बांसूर डीएसपी ने गांव हमीरपुर में नाकेबंदी करवाई तथा प्रत्येक वाहनों की सघन रूप से जांच की। अलवर के बांसूर स्थित अग्रसेन भवन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत सहित कई लोग मौजूद रहे। जयपुर के विधायिका में आस्था अकेडमी में महिला दिवस मनाया गया। विधायिका फायर स्टेशन की 2 महिला फायर कर्मियों
बसंत कंवर और राजू चौधरी को निदेशक रिंकू बालास्वामी ने शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर महिला दिवस पर उन्हें सम्मानित किया। अलवर के खेडली के बहतूकला थाना पुलिस की कार्रवाई देखी गई। पेट्रोलिंग के दौरान दो देसी कट्टे, 315 बोर में 5 जिंदा कारतूस समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गाड़ी से अवैध शराब भी बरामद हुई है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। जयपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किशन पोल बाजार में होली पर्व का महत्व बताया गया। होली को लेकर ज्ञान योग गीत और नृत्य रास के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीके सुषमा बहन जयपुर जोन की संचालिका ने सभी भाई बहनों को होली के पर्व की बधाइयां दी। जयपुर के आमेर स्थित CISF 8वीं आरक्षित वाहिनी में CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय में क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चुनाव आयुक्त राजस्थान मधुकर गुप्ता और चैंपियन राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह मेघवाल भी मौजूद रहे। चलिए अब जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभिनव विद्यालय में स्त्री है तो संसार है थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था निदेशक देवी सिंह राठौड़ ने 50 से अधिक महिला कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। समदरी क्षेत्र के जेठंतरी गांव में अज्ञात कारणों से गांव के पास में आग लग गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। होली पर्व को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही परंपरा भी देखने को मिली। होली पर्व पर गैर नृत्य का उत्साह देखने को मिला। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती जेठंतरी ग्राम में होली पर्व पर लोगों ने गैर नृत्य का आयोजन किया। कल्याणपुर क्षेत्र के सरवड़ी हाईवे पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सहायता से उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और वाहनों को हटवाकर हाईवे को सुचारू करवाया। फलसुंड कसोई गांव में व्याख्याता हरिराम सुथार के निवास स्थान पर पुलिस ने मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करनी कॉलेज के संस्थापक भुरदान चारण और ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गांव के मोजीस लोगों ने एक दूसरे को होली के पावन पर्व पर मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। जोधपुर के शेरगढ़ स्थित आसपास गांव में हुआ रामा श्यामा का आयोजन। गांव में लोग एक दूसरे के घर जाकर मारवाड़ी परंपरा से होली की शुभकामनाएं दी हैं। गांव में लोग गाजे बाजे के साथ फाग गाते हुए भी दिखाई दिए। मोहनगढ़ में पुलिस जवानों ने मोहनगढ़ पुलिस थाने में होली मनाई है। पुलिस के जवानों ने थानाधिकारी पुखाराम सहित समस्त स्टाफ को गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले लगकर होली की बधाई दी। धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस के जवानों ने मोहनगढ़ पुलिस थाने में होली मनाकर एक दूसरे को बधाई दी। सिरोही जिले कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय और ट्रेजरी ऑफिस के बीच पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे काफी मात्रा में पानी व्यर्थ बह गया। कलेक्ट्रेट में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि पानी की पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फूटी हुई है, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है। जैसलमेर के भणियाना में नील गाय से टकराने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक पर सवार अन्य एक युवक घायल हो गया। बांधेवा सरपंच प्रतिनिधि बरकत खान ने पहुंचाया फलसूट अस्पताल। गौरीबंदा के सुदाबेरी गांव में होली के पर्व पर कबड्डी रस्सा कस्सी खेल का आयोजन हुआ। रस्सा कस्सी कबड्डी खेल में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता टीमों को पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। गौरीबंदा क्षेत्र के मांगता गांव के पदमोनियों का तला खुमे की बेरी के बामणिया मेघवाल परिवार ने होली के पर्व पर समाज में फैली मृत्युभोज नशे जैसी कुरूतियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा को लेकर सैकड़ों महिलाएं यहां यात्रा के लिए उमड़ पड़ी। दिनभर भारी संख्या में महिलाओं की आवाजाही रही, वहीं महिलाओं को यात्रा के दौरान भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जोधपुर के लोहावट स्थित पीलवा रावत नगर के पास युवक युवती की नहर में कूदने के मामले में 24 घंटे बाद भी युवती की नहर में तलाश जारी है। युवक का शव नहर से बाहर निकालकर बोझी में रखवाया गया।
जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित नहर में तैरता मिला शव। कानोद माइनर जेल पर शव मिला। सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुखराम मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया। जोधपुर के देवरी के मथानिया थाना क्षेत्र में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। होली के पावन पर्व पर मोती चौक में पिछले 100 वर्षों से निरंतर गैर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें नव युवक हाथों में डांडिया लेकर गैर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। मेघवाल समाज की ओर से पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार, थानाधिकारी बाबूलाल राणा और कई जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। जालौर के भीनवाल में होली पर निकाला बाबैया ढोल। शहर में घोटा गैर के आयोजन को लेकर बाबैया ढोल निकला। बाबैया ढाल पर जमकर खेल के युवा। राजा महाराजाओं के शासनकाल से ही ये पूरी परंपरा चली आ रही। जालौर में घर पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से घर की दीवार को भी नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जल गए। जालौर के करडा पुलिस ने की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। 2 साल से फरार चल रहे स्मैक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपी प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में आचार्य गच्छाधिपति जिन माणी प्रभ सूरी महाराज साहब के 64वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में खड़तर गच्छ युवा परिषद और महिला परिषद के सदस्यों ने गौ सेवा की है। सभी ने गायों को नवकार मंत्र भी सुनाया। खड़तर गच्छ युवा परिषद के सदस्यों ने बताया कि पूरे भारत में जीव दया कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य का जन्मदिन मनाया गया। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में होली का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर दल होली के फाग गीतों के साथ मनाया गया। बालोतरा शहर में रंग और गुलाल डालकर मनाया गया है होली पर्व पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी चाक चौबंद। बाड़मेर के बालोतरा रिफाइनरी के अंदर एक बार फिर से एक निर्माणाधीन साइट पर आग लगी है। लगी आग से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद स्थानीय दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। LNT की एक निर्माणाधीन साइट पर आग लगी। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव बाजूवाला में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2 करोड़ की लागत से PSC भवन का निर्माण करवाया गया था। निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के चलते भवन में जगह जगह दरारें आ गई। जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेशों के बाद हुई जांच में 17 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट मिली। घटिया निर्माण की पुष्टि होने के बाद ठेकेदार द्वारा भवन को रिपेयर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की पुनः जिला कलेक्टर से शिकायत भी की। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर और PCC सदस्य रूबी कुन्नर ने पदमपुर में बच्चों और युवाओं के साथ होली खेली है। इस मौके पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आमजन होली की बधाई देने पहुंचे। विधायक गुरमीत कुन्नर ने संदेश देते हुए कहा कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। आपस में भेदभाव भूलकर भाईचारे को बढ़ाए। श्रीगंगानगर के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी पटियाला में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जी नगर धर्मशाला से रवाना हुए। जी नगर समाज कार्यकारिणी की तरफ से खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दिए गए। PCC सदस्य और सभापति करुणा अशोक चांडक ने पावन पर्व पर होली की समस्त श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र और जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली उल्लास और प्रेम का त्यौहार। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की MJM कोच की सहायक अभियोजन अधिकारी रणजीत कौर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली की बाल युवा नारी जागृति मंच ने 17वें नारी रत्न सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबाला धनकर ने रणजीत कौर को नारी रत्न सम्मान पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल ने गांव 41 आदमी में अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए बने हर प्रभ आश्रम में रहने वाले बेघर विमंडित 1,000 से अधिक लोगों को भोजन करवाकर उनके साथ होली खेली है। इस दौरान पालिका बोर्ड के पार्षद और व्यापारी भी मौजूद रहे। जैसर के श्याम सेवा मंडल द्वारा बाबा श्याम का भव्य जागरण और फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से पहुंची गायिका साक्षी अग्रवाल और संजय सेन ने भी बाबा श्याम की मंत्र का गुणगान किया। बाबा श्याम का 51 प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में बाबा की अखंड ज्योत, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा और कड़ी खींचने का प्रसाद आकर्षण का केंद्र रहा।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की हांजा कॉलोनी के पास खेत में बनी पानी की डिग्गी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवा। जैसलमेर में होली पर्व के उपलक्ष्य में बाबा श्याम का जन्मदिन घरों में मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने तरह तरह के श्रृंगार करते हुए बाबा श्याम की भेंटों पर नृत्य किया। हनुमानगढ़ में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के बाद आज पुलिसकर्मियों ने होली का त्यौहार मनाया। इस दौरान पुलिस लाइन और जिले के पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलकर त्यौहार मनाया। श्रीगंगानगर के जैतसर में होली का त्यौहार स्नेह और उल्लास के साथ मनाया गया है। ग्रामीणों ने गांव के चौक पर होली का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बढ़ चढ़कर शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर में पूर्व मंत्री और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का व्यापार मंडल की ओर से स्वागत किया गया। गढ़ सिंहपुर को तहसील स्वीकृत करवाने पर उनका सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर का व्यापारियों के एक धड़े के द्वारा व्यापार मंडल में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विधायक जगदीश जांगड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सीमा सुरक्षा बल की 34वीं वाहिनी के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक बलबीर लूथरा सहित अन्य लोग भी शामिल थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका में 1.5 करोड़ रुपए के सीवरेज घोटाले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर नागरिकों ने अर्धदग्ध प्रदर्शन किया है। जांच के दौरान चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा को निलंबित करने की मांग की गई। मामले में बीते 45 दिनों से नागरिक धरना दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 3 और 26 के नागरिकों ने विधायक राम प्रताप कासनिया के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन पर प्रशासन शहरों के संग अभियान चलने के बावजूद पट्टे नहीं देने का आरोप लगाया। बीकानेर होली के रंगों से सराबोर हुआ है। बीकानेर में आए हुए विदेशी सैलानी भी होली खेलते हुए दिखाई दिए हैं। भैरव विलास होटल में रुके हुए विदेशी सैलानियों ने जमकर होली खेली। श्रीगंगानगर के जैतसर में श्याम सेवा मंडल द्वारा बाबा श्याम का भव्य जागरण और फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से पहुंची गायिका साक्षी अग्रवाल और संजय सैन ने बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया। अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। राजसमंद में आम जनता की होली के दूसरे दिन पुलिस जवान ने होली मनाई है। पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारी और जवान जमकर होली खेलते हुए दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी अपने माथा जवानों के साथ होली के जश्न में शामिल। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रोडवेज की ओर से पूरे प्रदेश में ही महिला यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई लेकिन जिले में रोडवेज बसों में महिला यात्रियों की संख्या नगण्य रही। वागड़ के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होली के मुख्य त्यौहार पर आदिवासी समाज की ओर से परंपरागत रूप से गैर नृत्य खेला गया। इस दौरान ढोलक और कुंडी को बजाया जाता है वहीं कुछ लोगों द्वारा वागडी गीत भी गाए जाते हैं। डूंगरपुर की डोवड़ा थाना पुलिस ने वाहन चालकों से मारपीट कर रुपए मांगने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धुलंडी पर्व पर कार सवार एक परिवार से मारपीट कर शराब पार्टी के लिए रुपयों की मांग की। प्रतापपुर में पुलिस की होली का आयोजन किया जा रहा है वहीं इस दौरान भी पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। टीडी थाना और उनकी टीम ने गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा। पुलिस ने कार से पंजाब निर्मित शराब को भी पकड़ा। होली और धुलंडी पर कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन होली का त्यौहार मनाया। बांसवाड़ा शहर पुलिस लाइन ने पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कान सिंह भाटी, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौर सहित जिले भर के थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों ने होली के गानों पर अपने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर डांस किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्लॉक अर्थुना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोलाना के सभा कक्ष में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार, ACBO सुरेश चंद्र पाटीदार, मनोज शाह और सरसा प्रधान कृष्णकांत जोशी के सानिध्य में आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रतिभाशाली महिलाओं की शिखर पर बेटिया नाम की प्रदर्शनी लगाई गई। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में समाज से बहिष्कृत करने पर पंचों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर अर्धनग अवस्था में धरना दिया गया। धरने पर बैठे युवक सतीश चंद्र पालीवाल ने प्रशासनिक समझाइश के बाद अपना धरना समाप्त किया।
बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के छीच रोड पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर पीड़ितों के सुपुर्द कर दिया। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र के वृंदावन टॉकीज क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों पर युवक ने शराब के नशे में पत्थर मारे। घटना पर पुलिस कर्मचारियों ने हाथ पैर पकड़कर युवक को थाना लाए और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांसवाड़ा के वांगड़ अंचल के गांव में धुलंडी के दूसरे दिन नवजात शिशु के झूंडोत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में शिशु के ननिहाल पक्ष की ओर से मामा द्वारा होली का प्रदक्षिणा दी गई। वहीं कई जगह पर भोज का आयोजन भी किया गया। उदयपुर के बेकरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गाड़ी पर पथराव करने वाले 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर गोगुंदा तहसील के समक्ष पेश किया। थानाधिकारी मुकेश कुमार जाट ने बताया कि एक दिन पूर्व बाड़मेर से कोटा चलने वाली एक ट्रैवल्स की बस पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। उदयपुर के कोटड़ा थानाधिकारी राम सिंह चुंडावत ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 घंटे में हत्या का खुलासा कर दोनों हत्यारों जो कि सगे भाई थे उन्हें गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सुथार मादड़ा गांव के आशापुरा माता मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी मामले में अब तक 3 को गिरफ्तार किया। डीजे की धुनों पर डांस के साथ पिस्टल से फायर करने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जिन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। और चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। अकेरा कस्बे के भील समाज मंदिर पर भील समाज के लोगों द्वारा होली उत्सव मनाया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज की एकता का भी परिचय दिया। जलवाड़ के कस्बे में होली पर्व सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया है। इस दौरान कस्बे में आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में उपस्थित हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व पीसीसी सदस्य नरेश जैन भी मौजूद रहे। एसपी रिचर्ड तोमर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई है हुई है। इसको लेकर खानपुर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती खेलते 13 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से 11,130 रुपए भी जब्त किए गए। मंडाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंडाना में देर शाम को अनोखी होली मनाई जाती है। महिलाओं की टोली पुरुषों पर बरसाती है लाठियां। ऐसा तब तक चलता है जब तक पुरुष एक पेड़ की विशाल टहनी को जमीन से नहीं उखाड़ लेते। मंडाना में कई सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार धुलंडी के दिन सभी ग्रामीण एक साथ होली खेलते हैं। दिन भर होली खेलने के बाद देर शाम को मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसको झंडा उखाड़ने का नाम दिया गया है। झलवाड़ के पिड़ावा तहसील क्षेत्र में गत दिनों हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। पूर्व सरपंच शुदान सिंह की सूचना पर जिला प्रमुख प्रेमबाई, प्रधान सीता भील, भागचंद डांगी ने ग्राम गोविंदपुरा पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। कैथो नगर में होली फूल ढोल मेला शुरू हो चुका है। 10 मार्च तक ये मेला चलेगा। मेले में प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 50 फीट ऊंचे हिरण्यकश्यप पुतले का दहन भी हुआ है। होली के पर्व को लेकर छबड़ा में दूसरे दिन पुलिस कार्मिकों द्वारा जमकर होली खेली गई। थाने परिसर के बाहर थाने के और अन्य सभी पुलिस कार्मिकों ने होली पर्व धूमधाम से मनाया। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। झलवाड़ के पिड़ावा में मुस्लिम समाज ने इबादत की रात शब्बे बारात पर्व को श्रद्धा के साथ मनाया। इस दौरान नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने दुआएं मांगी। राजस्थान सरकार पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दे रही है, जिसमें राजस्थान में सभी सीमाओं तक जहां तक राजस्थान की रोडवेज जाती है वहां पर महिलाएं मुफ्त यात्रा करती हैं और मुफ्त यात्रा करती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में झालावाड़ बस स्टैंड पर बसों में महिला यात्रा कर रही हैं, जिसमें महिलाओं में खासा उत्साह भी देखा गया। बारा के सिसवाली में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर सिसवाली में वार्षिकोत्सव और विदाई सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 10वीं कक्षा की विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकेश बैरवा, उप सरपंच सिसवाली तथा मुख्य वक्ता नवीन कुमार झा समेत कई लोग शामिल रहे। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए और प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया।
बारा के मांगरौल स्थित राज मंदिर गोवर्धन नाथ जी पर फागुन उत्सव महिलाओं ने फूलों की वर्षा कर मनाया है। मंदिर पर राधा कृष्ण की झांकी का स्वरूप बनाकर महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ होली रे रसिया के भजनों पर नृत्य किया। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की महाआरती और प्रसाद वितरण भी किया गया। झलवाड़ के खानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। पूरे ही राजस्थान में आज महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा का आनंद लिया तो वहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। झलवाड़ की पिड़ावा तहसील की ग्राम पंचायत रामपुरिया में पूर्व जनपद शिव सिंह की सूचना पर पटवारी केशव मालव, कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र दांगी, राहुल ज्वाला ने नुकसानग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया, जिसमें गत दिनों हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद बैसला ने उन्हें नागेश्वर धाम प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया है कि वह रामगंज मंडी क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए पेरा फेरी में से गांवों को हटा दें ताकि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ आसानी और कम शुल्क में हो सके। नागौर के मेड़ता सिटी के समीपवर्ती इंदावड़ गांव में होली 500 साल पुरानी अद्भुत परंपरा से खेली गई। गांव के माइच समाज के लोग अपने शरीर पर सफेद मिट्टी का लेप लगाकर ढोल नगाड़े पर नाचते और झूमते हुए दिखाई दिए। चलवाड़ में दिन दहाड़े कार में सवार व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले दो आरोपी और दो बाल अपचारी को डिटेन किया गया। आरोपियों से घटना के बारे में सख्ती से पूछताछ जारी। बारा के किशनगंज कस्बे में होली के अवसर पर फूल ढोल लोकोत्सव में 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के संरक्षक पटेल मनोज चौधरी ने बताया कि धुलंदे के दिन भगवान चारभुजानाथ शोभा यात्रा के साथ तुलसी के बिरवे से होली खेली गई। इस बार 137वें फूल ढोल लोकोत्सव पर कस्बे में 7 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया। बारा जिले में बेमौसम बरसात ने छिपा बड़ौद छबड़ा और किशनगंज क्षेत्र में किसानों की चिंता को बढ़ाया है। इन दिनों किसानों की सरसों धनिया चना की फसलों का कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन यहां नुकसान हुआ। अकेला कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारी अश्विनी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने के उद्देश्यों के बारे में जानकारियां साझा की। कोटा के टावा के मंगेना गांव में होली पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते करीब 6 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। घायल युवक को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार 2-3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान धनिया और अफीम की फसल को हुआ है। बारा के कियानगंज थाना क्षेत्र के मिसाई गांव में अपने खेत पर कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बारा के किशनगंज थाना पुलिस ने मैरिज गार्डन से लैपटॉप चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लैपटॉप भी बरामद किया है। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश पर चोरी के मामले में विशेष टीम गठित की गई। कोटा के रामगंज मंडी में स्टेशन चौराहा स्थित बालाजी मंदिर में होली के पावन अवसर पर श्री राम दरबार में राधा कृष्ण होली खेलते हुए सुंदर श्रृंगार किया गया। भगवान को गुलाल लगाकर भक्तों ने होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम कोटड़ी में होली के दूसरे दिन धुलंडी के मौके पर राजस्थानी पारंपरिक प्रसिद्ध गैर नृत्य का आयोजन बड़ी धूमधाम से आयोजित हुआ। कोटड़ी ग्राम के सार्वजनिक खेल मैदान में सैकड़ों की संख्या में गैर कलाकारों ने हाथों में डांडे और डंडे लेकर राजस्थानी वेशभूषा सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए ढोल नगाड़ों की थाप और थाली की खनक और डीजे की धुन पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। टोंक में होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया है। इस पावन पर शांति बनी रहे इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया। नागौर के लाटू में होली कार्यक्रम में कोलकाता से आए नामचीन गायक मनोज छापरवाल को सम्मानित किया गया है। होली पर्व पर 3 दिनों तक चल रहे होली महोत्सव का समापन हुआ। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रख्यात पंडित निर्मल दाधीच के हाथों से उनका सम्मान किया।
और जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के बाद टोंक जिले में भी गत 20 फरवरी से विरोध प्रदर्शन जारी है। वकीलों ने लामबंद होकर कलेक्टर स्थित दूरदर्शन का ताला तोड़कर 5 एडवोकेट टीवी टावर पर चढ़ गए। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। भिलवाड़ा के शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय के फूल ढोल महोत्सव पर नगर पालिका की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रथम दिन अलगोजा वादन और साफा बांधो प्रतियोगिता में उत्साह देखने को मिला। अलगोजा प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 7 टीमों ने भाग लिया। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। नागौर के रियाबड़ी में राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत के निवास गांव इजवा में होली से मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए शेखावत ने कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, इसको आपसी भाईचारे और सामंजस्य से मनाने की जरूरत है। भिलवाड़ा के शाहपुरा में हर घर परिंदा अभियान के तहत फूल झोल महोत्सव में परिंदों का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद शाखा की ओर से रामनिवास धाम के मुख्य द्वार पर वितरण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने लोगों को 200 परिंदों का वितरण किया। नागौर के डिडवाना गांव ढाणियों में गहराया जल संकट, विभाग की लापरवाही पड़ रही है लोगों पर भारी। 5 सालों से नहीं हुआ पेयजल समस्या का समाधान। भारी दाम खर्च कर टैंकरों से पानी मंगवाने की मजबूरी में अब लोग परेशान हुए। लोगों के लिए अनाज से भी महंगा पड़ रहा है पानी। नागौर के डिगाना विधायक विजयपाल मिर्धा के निवास पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिगाना विधायक विजयपाल मिर्धा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऋषपाल सिंह मिर्धा ने क्षेत्रवासियों सहित कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों को दूरभाष पर अवगत करवाया। नागौर के डिगाना में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर युवा डीजू की धुन पर नाचते और गाते दिखाई दिए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। बच्चों ने रंग और पिचकारियों के साथ होली गाना। नागौर के मकराना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होली स्नेह मिलन समारोह मनाया है। जिलाध्यक्ष ने ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर भोजन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गैसावत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नागौर के डिगाना में अल्लाह की इबादत के साथ ही शब ए बारात का त्यौहार मनाया गया। डिगाना शहर सहित ग्रामीण अंचल में शब ए बारात के त्यौहार पर मस्जिदों को सजाया गया है। इस दौरान मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग मौजूद। नागौर के कुचामन में राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे में अज्ञात समाज कंटकों ने आग लगा दी। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। स्कूल के स्टाफ कर्मियों और स्थानीय लोगों ने टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। होली के पर्व पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो गया है नजर आया। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर डिप्टी तेज पाठक, डिप्टी राजेंद्र, एसएचओ कुसुम लता मीणा लगातार गश्त करते हुए नजर आए। बौली थाना पुलिस ने मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। वहीं ड्रोन कैमरे से भी कस्बा बौली में मॉनिटरिंग। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव भर कुंजरा के निकट बहने वाली शेरनी नदी में पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। थाना प्रभारी नांदनपुर राम अवतार पैरवान ने बताया कि युवक की सैपऊ की शेरनी नदी में पैर फिसलने से नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक नांदनपुर में अपने मामा के यहाँ रहता था। युवक की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। मृतक की करीब 1.5 साल की छोटी बच्ची थी। सरमथुरा उपखंड के गांव में हुआ नाल दंगल का आयोजन। गठीली निवासी अतुल शर्मा ने उड़ाई 70 किलो की नाल। दंगल में बसंतपुरा के बबलू विजय चंद्रवाली के पवन ने उठाई 70 और 93 किलो की नाल। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय सरमथुरा में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं पवन। दंगल में पुलिस की शान को भी बढ़ाया। सरमथुरा में अनोखे अंदाज में हुआ होली का दहन। वहीं धुलंडी पर यहां धूमधाम से मनाया गया है। लोगों ने एक दूसरे के अबीर और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। भरतपुर के कुम्हेर थाना अंतर्गत गांव गांगर सौली में एक महिला कुएं में जा गिरी जिससे महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भरतपुर के कुम्हेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया है। कुम्हेर कस्बे में मेन बाजार में चेयरमैन राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में होली का त्यौहार मनाया गया, जिसमें लोगों को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई।
भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में धूमधाम के साथ होली मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। कुम्हेर के लोगों को सकुशल होली मनाने के बाद पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। भारत विकास परिषद शाखा बौली के तत्वाधान में नगर पालिका मुख्यालय बौली पर फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन कमलेश देवी जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। करौली जिला मुख्यालय सहित समीपवर्ती क्षेत्र में धुलंडी पर अलग अलग सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली के टोडा भीम स्थित बालघाट थाना पुलिस ने होली के त्यौहार पर दो दिन कानून व्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर रहने के बाद होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। थानाधिकारी अभिजीत मीणा ने सभी पुलिसकर्मियों को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं। टोडा भीम के ग्राम पंचायत पहाड़ी में चल रही 3 दिवसीय होली मिलन और सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस दौरान पीसीसी सदस्य डॉक्टर भवी मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भरतपुर के कुम्हेर के डहरा गांव में डीजे को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में करीब 3 महिला समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन सिटी में सूखे कुएं में होली के दिन काफी पुराना शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डीएसपी सुरोट थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस शव की शिनाख्त में की। करौली के हिंडौन सिटी में होली पर 400 वर्ष पुरानी धमाल निकालने की परंपरा निभाई गई। रियासतकालीन वर्षों पुरानी धमाल निकाली, जिसमें ढोल और जंग थाप के साथ ठंडा गायन हुआ। छतों से महिलाओं ने गुलाल डाल धमाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान करीब 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट टेक।